आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जिसे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारे आगे घुटने टेके, ये चाहत सबकी होती है। सब चाहते हैं कि जो चीज बिगड़ गई वो फिर से बन जाए। सब चाहते हैं बिगड़ा हुआ रिश्ता, बिगड़ी हुई बातें फिर से ठीक हो जाए। संबंधों में तो मधुरता चाहिए, झगड़ा कौन चाहता है। संबंधों में तो मेल मिलाप चाहिए, दूर रहना कौन चाहता है। संबंधों में तो बार बार आदान प्रदान होना चाहिए, प्रेम का, विवाद का, झगड़े का, फसाद का, एंजाइटी का, दोष का, द्वेष का, इन सब चीजों को कौन चाहता है। सुबह उठकर इन अंगों पर ये वस्तु लगाना, फिर देखना चमत्कार। तुम जिसे प्रेम करते हो ना, वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे आसपास कुछ ही देर में दिखेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है, शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, पैरेंटल लाइफ, वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन, लव लाइफ, सब तरफ रिपेयरिंग करने का सिचुएशन बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का काम है। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी ही तो है। विश्व में पहला एक स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ विवाह पर और शादी पर और प्रेम पर काम होता है। विश्व का पहला स्थान जो लव लाइफ पर और प्रेम बढ़ाने पर काम करता है। प्रेम को समझने वाले लोगों को समझना चाहिए इस बात, प्यार सिर्फ एक ही रिश्ते में नहीं होता, हर रिश्ते में प्रेम चाहिए। अगर हाँ तो लव विद एस्ट्रोलॉजी को पे आना ही पड़ेगा। विश्व में पहला और एकमात्र स्थान है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, परिषदों का सार बताया जाता, तभी तो 20 सालों में क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है, ये बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों से यात्रा यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है। अब हम यूट्यूब पे 8 लाख टच करने वाले हैं। 8 लाख टच करने मतलब हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में अब 8 लाख लोग इस जगह भी होने वाले हैं। हर जगह अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्पेशल तरीकों से लोगों का बेनिफिट कराया गया है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 20 लाख के ऊपर धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत गुप्त करते हैं। हर चीज हर व्यक्ति के सामने रखी नहीं जा सकती, ना ही हम रखते हैं। हमारे यहां जो भी बातें आप बताते हो उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, अन्यथा तो हम पूरा दिन भी धन्यवाद सुनाए तो कम है, इतने धन्यवाद है हमारे पास। डेली 2-4-5-10 लोग काम नहीं होता, 100-200-400-500 लोगों का भी काम नहीं होता। यहाँ काम होता है डेली हजारों लोगों का, बहुत बड़ी संख्या में, जितना आप सोच भी नहीं सकते, और वो कंटिन्यू है। आज कह रहा हूं सुबह उठते ही ये चीज लगा लेना, तुम्हारा प्यार घुटनों पर आकर के तुम्हारे सामने माफी मांगेगा। ये चीज लगा लेना, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा लव, तुम्हारी जो भी अपनी एक होने की प्रणाली है उस पर बहुत सारा बल बढ़ जाएगा। शरीर के अंग प्रत्यंगों का अलग भाव है, अलग मतलब है। आपको बताता हूं, आज जो सामग्री है लगाने के लिए उसमें थोड़ा सा बेसन है और थोड़ी सी दही। सामग्री सिर्फ दो चीजें चाहिए। बेसन जहां बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, दही वहीं शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। दही शुक्र और शनि दोनों के लिए भी जाना, प्रायः शुक्र के लिए। अब ये दो चीजें जब आप एक जगह रखते हो, दो गुरु हैं, एक राक्षस का गुरु और एक देवताओं का गुरु, दोनों की आवश्यकता है। जहां पर बृहस्पति विवाह इत्यादि कराने के लिए सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं शुक्र प्रेम के संदर्भ में सबसे बड़ा ग्रह है। दोनों की मान्यता जब बढ़ेगी तो आपके जीवन में इस बात का बल बढ़ेगा। विवाह का योग बनता ही तब है जब आपके कुंडली में, जन्माक्षर में बृहस्पति स्ट्रांग होता है, या उसका अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर आता है, तब प्रेम में आपकी वृद्धि होती तब है जब शुक्र का प्रताप मिलता है।
शुक्र खराब हुआ तो प्यार खराब हुआ, शुक्र अच्छा हुआ तो प्यार अच्छा हुआ। इसीलिए कहते भाई सुंदर बनो, सुगंधित रहो, परफ्यूम लगाओ, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनो, खूब बेहतर रहने की कोशिश करो, हाइजेनिक रहो। ये सब चीजें क्यों? क्योंकि शुक्र को ये सब पसंद है। वो ठीक होगा तो प्यार अपने आप ठीक होगा, है ना। बृहस्पति जहां विवाह कराने के लिए बहुत बड़ा महान ग्रह है, वहीं प्रेम कराने के लिए शुक्र बहुत बड़ा ग्रह है। आज दोनों को समावेश करके एक साथ आपको बता रहा हूं। भृगुर्षि देव यदात्मकाया संभूमि देवम सराहितम च। ये दोनों ऐसी सराहना कर करके ऐसी अद्भुत चीजें देने के लिए जाने जाने वाले ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेमियों के लिए वरदान। आज उसी बात को आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं शुक्र और बृहस्पति की इस सामग्री को मिला करके अपने इन अंगों पर लगा लेना सुबह उठते ही, फिर उसके बाद स्नान करना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हें दुखी कर रहा है, कुछ अंग हैं जिनकी वजह से तुम्हारा प्यार खींचा जा सकता है। आपको एक बात पता है, हर अंग का अपना एक मतलब है। इस उंगली को जब तुम दिखा के किसी को बात करते हो तो ये क्रोध का प्रतीक है। इस उंगली को जब तुम किसी को दिखाते हो तो वो गाली का प्रतीक है। इस उंगली को जब तुम किसी को दिखा के बात करते हो तो स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। इस उंगली को जब तुम दिखाते हो तो जल का प्रतीक है। इस उंगली को जब तुम ऊपर करके दिखाते हो तो ये तुम्हें बूस्टअप करने की बात करती है, और जैसे ही आप नीचे करके दिखाते हो तो आप कहते हो सामने वाले को गिराने की बात करते। अंग प्रत्यंगों के इशारे, उनका प्रताप, उनका प्रभाव वैसा ही है। इन चीजों को पकड़ करके एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर वाले लोग बहुत सारा इलाज कर दिया करते हैं। बड़ा साइंस है, बड़ा रिसर्च है, बड़ा विज्ञान है इसको, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। क्यों इतना गहरा उतरना? सीधा दही और बेसन मिला के तो लगा रहे, सीधा उपाय को लेकर नहीं चलते, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप सच में भगवान हैं गुरु जी। गुरु जी मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु जी। आपकी बताई हर छोटी छोटी बातों को मैं फॉलो करती हूँ, जैसे प्रणाम करके पानी पीना, इसलिए मैंने पूजा करवाई थी वो मुझे अब कभी छोड़ के ना जाए और हमेशा मेरे साथ में रहे गुरु जी, बस इतना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा दही लेना है। दही को पहले हाथ रख के ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः ऐसा कह के 5 बार उच्चारण करके उसे विमंत्रित कर ले। उसके बाद अपनी 3 चुटकी बेसन डालना है 5 उंगलियों को स्पर्श करते हुए। 3री चुटकी में आपको बोलना है ओम ग्राम ग्रीम द्रोम शाह गुरुवे नमः। ग्राम ग्रीम द्रोम शाह गुरुवे नमः 3 बार बोलना है। द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः आपको बताया। ये दोनों की दोनों चीजों को खूब अच्छी तरीके से मिश्रित करिए, और सबसे पहला जो आप इस लेप को स्पर्श करेंगे वो अपने कंठ में करिएगा, दूसरा अपने दोनों कपोलों पर करिएगा गालों पर, तीसरा अपने दोनों कानों पर करिएगा, अगली बार आपके बीच हृदय में करिएगा, फिर आपको नाभि में करना है, तत्पश्चात दोनों को अपने घुटनों पर लगा लेना है। ऐसा करने के बाद आप स्नान कर सकते हैं। आप सत्य मानिए, आप यकीन मानिए, जिस समय आप कर रहे होंगे एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा का एहसास करेंगे आप ये उपाय जब कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से कुछ निकला है। आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। पहले क्षण से, पहली बार से, पहले सेकंड से फर्क पड़ता है। कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, बहुत फायदा करता सच में। तो मैं सच बताऊं, मैं इस उपाय के बगैर आज तक स्नान ही नहीं किया, मैं रेगुलर करता हूं। तुम्हें भी बेनिफिट होना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि मैं वही उपाय बताता हूं जो खुद करता हूं। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं करता, ऐसा कोई उपाय नहीं बताता
जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास ना हो। जब तक विश्वास नहीं आता तब तक मैं परोसता नहीं हूं। विश्वास जब कोई करता है तो उसकी जिम्मेदारी कम है, जिस पर करता है उस पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए विश्वास का निर्वहन कर रहे हैं हम इतने टाइम से। बहुत धन्यवाद कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अपना बहुत ध्यान रखो प्रणाम करके। हर आधे घंटे में पानी पीना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का दान प्रदान नहीं करना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना क्लोज कर दो। क्योंकि तुम एक तरफ दवाई खाते हो दूसरी तरफ बीमारी बढ़ाते हो, फायदा कैसे होगा, है ना। ठीक हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।